तो गाइस सैमसंग ने काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद फाइनली रिलीज़ कर दिया है सैमसंग A31 के लिए न्यू FOTA अपडेट। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, सैमसंग A31 के अंदर पिछला अपडेट जो देखने के लिए मिला था गाइस, उसमें आप लोगों को अगस्त के सिक्योरिटी पैच के साथ अपडेट रिलीज़ किया गया था। बेसिकली यहाँ पे अभी आप लोगों की डिवाइस में अगस्त की सिक्योरिटी पैच रन कर रही होगी। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को 2 महीने के डिफरेंट में अपडेट रिलीज़ किया गया है। तो गाइस यहाँ पे FOTA अपडेट मिल चुकी है A31 के अंदर, क्या कुछ नया इस अपडेट में मिलने वाला है एंड यहाँ पे आप लोगों को 1.2.5 की अपडेट देखने के लिए मिली है या फिर नहीं एंड यहाँ पे अगर नहीं मिली है तो कब तक अपडेट देखने के लिए मिल सकती, डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहना यार, उससे पहले कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सैमसंग ने रिलीज कर दिया A31 के लिए न्यू FOTA अपडेट, जैसा कि आप लोग होम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बात करें हम लोग इसके अपडेट फाइल के बारे में तो यहाँ पे आप लोगों को 163.51 MB की इसकी अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली ये कुछ बड़ा अपडेट फाइल नहीं देखने के लिए मिलता है, क्योंकि दोस्तों इस अपडेट में आप लोगों को सिक्योरिटी पैच इम्प्रूव किए गई है एंड यहाँ पे और भी कुछ चेंज लॉग मेंशन किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को वो October 2020 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है। गाइस यहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलती है, काफ़ी अच्छी बात है। अगले न्यू फीचर के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पे कोई भी न्यू फीचर इंक्लूड नहीं किया गया है। बेसिकली ये एक सिक्योरिटी पैच अपडेट हम लोग इसे मान सकते हैं। यहाँ पे डिवाइस की स्टेबिलिटी को इंप्रूव किया गया, डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया गया, कुछ बग्स फिक्स किए गए एंड यहाँ पे कुछ न्यू फीचर्स को इंक्लूड किया गया। यहाँ पे सैमसंग ने कोई भी चेंज लॉग में मेंशन नहीं किया कि कौन से फीचर्स को इंक्लूड किया गया या फिर से कौन से बग्स को फिक्स किए गए हैं। गाइस यहाँ पे कैमरा में भी आप लोगों को कोई भी चेंज लॉग देखने के लिए नहीं मिलता है। बेसिकली आप लोगों को पुराना वाला ही लेआउट कैमरा के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। कोई भी न्यू फीचर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे इस अपडेट में 1.2.5 की अपडेट देखने के लिए मिला है। तो दोस्तों मैंने तो आप लोगों को बता ही दिया कि कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिली, तो आप लोगों को यहाँ पे 1.2.5 की अपडेट देखने के लिए नहीं मिली है। बट गाइस आप लोगों को 1.2.5 की अपडेट जो है वो यहाँ पे बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सैमसंग A51 एंड A71 के अंदर मिल चुके 1.2.5 की अपडेट एंड काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ 1.2.5 की अपडेट रिलीज हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे A31 जो है वो सैमसंग का एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, तो गाइस यहाँ पे इन्हें भी बहुत ही जल्द 1.2.5 की अपडेट देखने के लिए मिलेगी एंड काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ आप लोगों को 1.2.5 की अपडेट मिलने वाली है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे एग्जैक्ट डेट के बारे में तो आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के एंड तक फाइनली अपडेट देखने के लिए मिल सकती है। अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग क्या करता है, कोई भी अपडेट से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लेना यार। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।